तो दोस्तों, अगर आप लोग भी नीट यूजी 2023 के लिए आप लोग एग्ज़ाम सिटी और डेट के लिए इंतज़ार कर रहे थे और एडमिट कार्ड कब आएगा उसके लिए भी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, जितने भी छात्र एवं छात्राएं नीट यूजी 2023 में आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड को लेकर बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका डेट क्या हो गया है, लास्ट नाइट को अपलोड कर दिया गया है और साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मैं आप लोग को इसमें लाइव प्रूफ के साथ आपको बताएंगे अपना नीट यूजी का एग्ज़ाम सिटी चेक कैसे करेंगे, क्या क्या फिल करना होगा उसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोग को नीट यूजी का नोटिफिकेशन दिखा, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हम नीट यूजी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है जहां पे आप लोग इजीली देख पा रहे होंगे। दूसरा नंबर पे ही देख सकते हैं यहां पे सिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट यूजी 2023 के लिए यह इन्फॉर्मेशन लास्ट नाइट को निकाला गया। तो चलिए हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं और आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा डाउनलोड होकर स्क्रीन पर आ गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को लास्ट नाइट को पब्लिक किया गया था 30 अप्रैल को, ठीक है। तो आज है 1 मई, मजदूर दिवस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर सिटी चेक करने का डेट आप लोग को आ गया। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, एग्जामिनेशन सिटी चेक करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप लोग इस वाले वेबसाइट पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। यह जो लिंक है दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहां से आप लोग इजीली चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एग्जामिनेशन सिटी सेंटर चेक करके आपको दिखाते हैं लाइव। चलिए उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगा। तो सिंपल आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिंक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सिटी इन्फॉर्मेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट 2023। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, उस पर ना क्लिक करके हम लोग कहाँ करेंगे, नीचे की ओर क्लिक, नीचे में आएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे 3-4 लिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिटी यूजी सिटी डिस्प्ले लिंक 3, सिटी डिस्प्ले लिंक 2 और लिंक 1। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करें तो एक पॉपअप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लाइव चेक करके दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, सिंपल हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लिया। सिंपल अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरह से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको मंथ मिलेगा, आप लोग मंथ इस तरह से सिंपल आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही इतना कर लेंगे उसके बाद आपके नीचे यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिखेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। चलिए हम लोग डाल के देखते हैं, 9, 6, 5, उसके बाद है यू है, उसके बाद 4 है। जैसे ही इतना डालेंगे उसके बाद यहाँ पर तो पूरी के पूरी तरह से गड़बड़ हो गया यार, हिंदी कहाँ से हो गया। चलो यहाँ पे एक्स डालेंगे, उसके बाद 9, 6, 5, उसके बाद यहाँ पे यू है, यू डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4। इतना करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही दोस्तों आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया है, देख सकते हैं मेरा एग्जामिनेशन सिटी कहाँ पर है, यहाँ पे इंग्लिश का जो मतलब जो मेरा पेपर है इंग्लिश मीडियम में है और टेस्ट देख सकते हैं 2 PM से 5 PM। और एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो मेरा सिटी कहाँ है, मतलब पटना में मेरा सेंटर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से आप लोग अपना एग्जामिनेशन सिटी सेंटर चेक कर सकते हैं और आप लोग का जो एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम के 3 दिन या 4 दिन पहले आप लोग का आ जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।